गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VIIIC में और सभी का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, काफ़ी लंबे समय से OBC के अभ्यर्थियों को जिसका इंतज़ार था, हालांकि वह समय ज़रूर आया लेकिन वह आदेश नहीं आया जो कि आना चाहिए था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 27 तारीख को जो हाईकोर्ट में पेशी थी 27% OBC आरक्षण के लिए, वह डेट आगे बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, उसका कारण क्या रहा है हम आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्थिति यह है कि काफ़ी लंबे समय से ये केस चल रहा है, 3-4 साल से लगातार पेंडिंग है और केवल डेट पर डेट ही मिलती आ रही हैं और अभी तक कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। इसी बीच बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं। 27% आरक्षण की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी, सरकारी लेटर भी जारी कर दिए, लेकिन ये जो शिक्षक हैं आप पिक्स के माध्यम से देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के माध्यम से OBC वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें इसी केस के चलते नौकरी नहीं दी गई है, नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, लगातार 38-39 दिन से आमरण अनशन करने पर मजबूर हैं, जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से देख पा रहे हैं। न केवल पुरुष वर्ग बल्कि महिला आवेदक वर्ग भी लगातार अनिश्चितकालीन आमरण अनशन, जो कि प्रारंभ हुआ था 21 तारीख से और बदल चुका था आमरण अनशन में 25/4/2022 से, अपनी प्रमुख मांगे और एकमात्र मांग है ज्वाइनिंग। तो देखें दोस्तों क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो व्यथा है, उनका जो दर्द है, उनको सुनने वाला कोई भी नहीं है और अभी तक जो नियुक्ति पत्र की मांग की जा रही थी वह नहीं मिला है। और अब हम आगे बात कर लेते हैं कि हाईकोर्ट में 27 तारीख को किस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और उसमें क्या क्या निर्णय निकल करके सामने आया है। तो दोस्तों, हेडिंग बिल्कुल शुरू होती है, सस्पेंस बरकरार, 22 जून को होगी सुनवाई। तो अगली डेट दे दी गई है दोस्तों 22 जून। चलिए देखते हैं क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में OBC को 27% आरक्षण मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। उम्मीद थी कि सरकार OBC से संबंधित डेटा हाईकोर्ट में पेश करेगी, लेकिन इस बार भी सरकार ने किसी भी तरह का डेटा पेश नहीं किया। अगली सुनवाई अब 22 जून को होगी। जबलपुर हाईकोर्ट में फिर 27% OBC आरक्षण पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उसे बहस के लिए अभी और वक्त चाहिए और अगली बहस सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता की ओर से की जाएगी। तो दोस्तों, सरकार पेश नहीं कर पाई डाटा, इस कारण से ये डेट फिर से बढ़ी है। चाहिए देखते हैं क्या है आगे। तो सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार OBC मामले पर आखिरकार डेटाबेस क्यों नहीं पेश कर रही। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार स्वेच्छा से OBC संबंधित डेटा पेश कर सकती है, यानी अब उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई पर सरकार की ओर से OBC संबंधित डेटा पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार के दौरान, जैसा कि हम सब जानते हैं, OBC को 14% इंक्रीजमेंट करके आरक्षण का रिजर्वेशन का 27% किया गया था और इसके खिलाफ हाई कोर्ट में 61 याचिकाएं दायर की गईं। कुछ याचिकाओं में बढ़े हुए आरक्षण पर विरोध भी किया गया, जैसा कि हम सब जानते हैं। और अब आप ये देख पा रहे हैं कि 27/4/2022 को ये पेशी थी और अब डेट बढ़ करके 22 जून 2022 कर दी गई है। तो दोस्तों, क्या परिणाम 22 जून को भी आएगा या नहीं आ पाएगा, ये निर्भर करेगा गवर्नमेंट के द्वारा डेटा पेश करने को लेकर उनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार सही तर्कों के साथ में डेटा को पेश किया जाएगा, क्या फिर से OBC वर्ग को निराशा ही हाथ लगेगी, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, जो भी होगा आपके सामने होगा, चैनल पर बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।